ये हमारी जालियां डबल लेयर वाली जाली है, सिंग दूसरी लेयर पे दूसरा कर दे, इसलिए सफाई करेंगे हम। ये ले लिया मैंने, कितनी धूल निकल रही है आप देख सकते हैं। मैंने कुछ बना के रखा हुआ है पेंट, हम ये यूज करने वाले हैं, सिल्वर पेंट हैगा। आपको इधर से कुछ दिख नहीं रहेगा कि इसकी जालियां भरने का चांसेस है। ये देखो ऊपर नीचे अगर आपको गिरता है तो इसको हमें चारों साइड से मारना पड़ेगा, क्योंकि फिनिशिंग आने लग रही है हमारे। ये ना आपको बहुत पेशेंस वाला काम है, दिखा रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट ऑफ पेंट। चलो वीडियो स्टार्ट कर। तो ये हमारी जालियाँ हम इसको पेंट करने वाले हैं, पूरा आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ये हमारी डबल लेयर वाली जाली है, सिंगल लेयर ये हैगी अपनी और दूसरी लेयर ये हैगी अपनी। ये डबल लेयर वाली हमारी जाली है और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करनी है आपको, ठीक है। पीछे से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो पीछे से हमारी ऐसी है कुछ देखने में। और ये हमारी डबल जाली है ना, तो इस पर हम एक ही कलर कर सकते हैं अंदर बाहर। आप सोचो दूसरी लेयर पे दूसरा कर दें, इस लेयर पे दूसरा कर दें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस पर करेंगे तो दूसरा गंदा हो जाएगा, इस पर करेंगे तो वो वाला गंदा हो जाएगा। इसलिए एक कलर करेंगे, जो इस पर पहले सिल्वर हो रखा है तो हम सिल्वर ही करेंगे। आपका जो है वो देख लेना आप। चलो फटाफट से करते हैं इसे। तो सबसे पहले इसकी सफाई करेंगे हम। ये ले लिया मैंने ब्रश, इससे हम साफ़ सफाई करने वाले हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे करनी है आपको, देखो ऐसे चलाना है आपने ब्रश खड़ा करके, क्योंकि इस ब्रश के बाल हैं जो प्रॉपरली अंदर से जाली में चले जाएं तब तो अच्छे से साफ हो आपकी, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो आपको धूल उड़ती हुई दिख रही होगी। देखो हमारी प्रॉपरली अच्छे से साफ़ कर ली, नहीं जब तक आपकी जाली साफ़ ना होगी ना तब तक क्या फ़ायदा, आपके जो भी जाली में छोटे छोटे छेद होते हैं वो बंद हो जाएंगे पेंट से। आप भरोगे, आप साफ़ सफाई नहीं करोगे तो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना। ये देखो कितनी धूल निकल रही है, आप देख सकते हो जैसे कि ऐसे आपने सब लोगों ने साफ़ कर लेना बिल्कुल अच्छे से। चलो मैं इसे फटाफट से साफ़ करता हूँ। आपका कहीं छूटना नहीं चाहिए, साफ़ कर लो आप बिल्कुल भी अच्छे से। नीचे का पोर्शन कर लेते हैं अब, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप सब लोगों ने कर लेना है। जैसे ब्रश मैं चला रहा हूँ ना वैसे आप लोगों ने चलाना है, आड़ा टेढ़ा तिरछा तुरछा करके एक सीध से चलाओगे तो होएगा नहीं। जैसे हर तरीके से मार सकते हो ना, ऐसे साफ़ कर लो, आपको साफ़ हो जाना चाहिए, मेन कहने का मतलब ये है। देखो मेरा इस साइड से हो गया पूरा कंप्लीट, अब मैं इस साइड से करने वाला हूँ। इस साइड से कुछ आपने ऐसे ही कर लेना है, साफ़ सफाई हमारी ज़रूरी है पेंट करने से पहले। देखो मैं कैसे साफ कर रहा हूँ इसे। बस मेरा डन होने वाला है, बस नीचे नीचे का रह गया है। देखो मैंने इस साइड से करा था, उस साइड पे थोड़ी दोबारा धूल मिट्टी चली हुई तो इसलिए मैं इसलिए जगह जगह फिर से मारने वाला हूँ। ये देखो अब दोबारा फिर एक बार फिर मार सकते हो। अभी देखो हमारी जाली साफ हो चुकी है, मैं जहाँ जहाँ लग रहा है मेरे को दोबारा गंदा आया मैं वहाँ वहाँ फिर से साफ कर लेता हूँ। देखो बस हमारा हो गया दरवाजा कम्प्लीट, साफ़ सफाई हो गई। मैं पेंट का दिखाता हूँ आपको। और तो ये हमारा पेंट हैगा, मैंने कुछ बना के रखा हुआ है पेंट, हम ये यूज़ करने वाले हैं, सिल्वर पेंट हैगा, ठीक है। इसमें दो आते हैं, एक दूसरा केमिकल आता है और ये हमारा ये दूसरा केमिकल इसी के अंदर निकलता है, इसको हमने डाल के ये बना के फिर हमारा फाइनल इधर वाला बना है, इधर बना है ये हमारा ये वाला, देख सकते हो आप। और मैं इसमें ये ऐड किया था क्योंकि ये पतला हो जाए, थोड़ा गाढ़ा होता है ना, आप गाढ़ा मारोगे तो आपकी जालियाँ बंद हो जाएंगी, इसलिए हम पतला कर लिया हमने इससे। चलो मार के दिखाते हैं फटाफट, मैं आ गया हूँ जाली पर, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करनी है। पहले तो आप सब लोगों ने ब्रश ले लेना है, पहले हम अंदर की साइड से कर रहे हैं क्योंकि अंदर की साइड से करेंगे, क्योंकि हमारे प्रॉपरली ब्रश उस साइड से चले जाएंगे, हमारे ज़्यादा उधर से चलेंगे नहीं ब्रश। तो मैं दिखाता हूँ, पहले आपको ब्रश ले लेना है, वैसे अप्लाई करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो
आपको इधर से कुछ दिख नहीं रहेगा कि इधर से पेंट हो भी रहा है या नहीं, लेकिन आपको फाइनली उधर से दिखेगा कि हाँ पेंट हो रहा है इधर। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पहले मैं इधर का कंप्लीट कर लूँ, ये वाली लेयर कंप्लीट कर लूँ। आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा हमारी शाइन लगने लग रही है जाली में, जैसे मैं ये देखो, आप ज़्यादा पेंट भर के मारते हो ना तो हमारी निशान से आ जाता है। अभी मैंने ये करे थे ना, मैं दिखाता हूँ, ये देखो आपके सारे प्रॉपर पूरा ब्रश अच्छे से चलाओ इधर उधर करके ना, क्योंकि अगर ये एक जगह ही मारोगे तो आपका जो पेंट होता है एक जगह ही रह जाएगी, तो आपकी जालियाँ भरने का चांसेस हैं। ये देखो जैसे मैं उधर कर रहा हूँ, इधर वो रह गया पेंट, तो मैं उसको प्रॉपरली अच्छे से फिनिश करूँगा, चारों तरफ अप्लाई करूँगा क्योंकि उधर ना रहें ज़्यादा, अगर ज़्यादा रहेंगे तो वहीं पर हमने उसे छोड़ दिया तो आपकी जालियाँ बंद हो जाएंगी। ठीक है, चलो ऐसे ही सब ने अप्लाई कर लेना, आप सब लोगों ने, जैसे मैं ब्रश से कर रहा हूँ वैसे आप लोगों ने कर लेना है, देख सकते हो। हाँ, अपनी ये बिछा लें, पेपर पेपर नीचे अगर आपका गिरता है तो आप साफ़ करो, साफ़ कर सकते हो आराम से, ये पेंट उड़ता भी ज़्यादा है। चलो दोबारा हम करते हैं, आपका कहीं करते समय रहना नहीं चाहिए, आप देख सकते हो कि किस साइड हमारा रह गया है, तो आप देख के करो कि आपका रहना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, वरना आपकी जाली कहीं ठीक दिखेगी कहीं ख़राब दिखेगी, इसलिए आपको एक तरफ से ही करके चलना है सारा। जैसे मैं कर रहा हूँ एक तरफ से, मैंने उस साइड से स्टार्ट करा, अभी दिखाता हूँ, रुको, जैसे मैंने उस साइड से स्टार्ट करा, अब मैं देखो इधर से करते करते ही इधर को ला रहा हूँ, वैसे आप सब लोगों ने एक साइड से करते हुए लेके आना है। ठीक है, देखो हमारा उस साइड से पूरा डन हो चुका है, अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो हमने उस साइड से मारा था, हमारा इस साइड से पेंट आ गया, हमने उस साइड से अच्छे से मारा था तभी हमारा इस साइड पेंट आ गया है। अब आपको मेन चीज़ इनमें देखना है, जैसे कि ये देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा उधर से करा था, अब मेन चीज़ इसमें देखनी है आपको, जैसे ये गोल गोल से दिख रहे हैं इसमें आपको करने में काफ़ी दिक्कत सी होगी, क्योंकि इसमें एक लेयर हमने उस साइड से कर दी हमारी प्लेन थी, अब ये हमारी ये वाली दूसरी लेयर है ना, इन गोलों गोलों में करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उस साइड से हमारी प्लेन हमने अच्छे से कर दी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करनी है ये वाली, चलो लेके आया ब्रश, अब मैं ब्रश में हल्का सा डिप करूँगा इसे, देख सकते हो, जैसे कि आप एक तरफ से लगाना स्टार्ट करना है आप सब लोगों ने, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक ही ब्रश को हमें चारों साइड से मारना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड ऊपर साइड, क्योंकि चार कॉर्नर है ना, हमें प्रॉपरली देख के चलना पड़ेगा कि हमारा कहीं ना रह जाए हमारा, जैसे देख सकते हो मैं कैसे घुमा घुमा के ब्रश मार रहा हूँ उसमें, पुश कर करके कि हमारा हो जाए अच्छे से, ये देखो, ये देखो, अब आपको लग रहा होगा हमारी जाली में फिनिशिंग आने लग रही है, ये देखो आप कोने में देख सकते हो, जैसे देखो अभी फिनिशिंग आने लग रही है हमारे जालियों में, आपको ऐसे ही पुश कर करके मारना पड़ेगा उसमें, ये देख सकते हो, जैसे आपका ये लग जाता है इसका तो कोई चक्कर नहीं, आप तेल वाले कपड़े से आराम से साफ़ कर सकते हो इसे। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, देख सकते हो अब हमारा, देखो इस साइड का थोड़ा सा हो गया पूरा हमारी, अब लग रही है थोड़ी शाइनिंग जैसे हमारी जाली हो गई है, देखो ऐसे ही कर लेना है आप सब लोगों ने। ये ना आपको बहुत पेशेंस वाला काम है, इसमें एक एक करके करना पड़ेगा आपको, आपका हाथ भी दर्द करने लग जाएगा इसमें, मेरा भी करने लग गया था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती है ये वाली जाली, तो आपको बहुत पेशेंस का काम है ये, आपको एक एक देख के चलना पड़ेगा कहीं आपका रह ना जाए, अगर रह जाएगा तो आपको गंदा लगेगा।
ये देखो कैसे मैं अंदर ब्रश पुश कर करके मार रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देख सकते हो कैसे कर रहा हूँ मैं। आपको पेंट थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा बहेगा तो जालियाँ भर जाएंगी हमारी। अभी आप देख लो हमारा पहले कैसा था, अब ये देखो कैसा लग रहा है हमें। ये देखो आ रही है ना फिनिशिंग, ऐसी सारा कर लेना है, हम सारा करेंगे। ये देखो आपका कहीं छूटना नहीं चाहिए, कहीं आपका छूटेगा भी ना तब भी दिखेगा, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। जैसे मुझे कहीं लग रहा है कि मेरा कहीं रह गया तो मैं उस जगह पे दोबारा दोबारा मार रहा हूँ, तो वैसे ही आप सब लोग कर लो। ये देखो जैसे ये मैं कर रहा हूँ, मैंने इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा हुआ है। अब मैं सीधा आपको पूरा फाइनल पे दिखाऊंगा हमारा कैसे लग रहा है, बिफोर एंड आफ्टर। आप देख के बता देना, कमेंट में बता देना कैसे लग रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको।